कंट्रीसाइड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंट्रीसाइड। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कंट्रीसाइड जब भी ये वर्ड आता है इट मीन्स हिल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, उनका रिवोल्ट आपने बताना है कि हाउ दे रिवोल्टेड एंड हाउ दे टुक द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन इन देयर ओन वे। इट मीन्स महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग नॉट टू कॉपरेट का मतलब होता है जस्ट नॉट टू कॉपरेट, लेकिन इनके अकॉर्डिंग नॉन कॉपरेशन का मीनिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कैसे लिया, और इनकी अपनी लोकल प्रॉब्लम थी। कंट्री साइड में आपने कुछ वर्ड याद रखने हैं, पीजेंट्स, फार्मर्स, ट्राइबल्स, प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम्स मेन बतानी है कि हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर? तो इसके लिए हमने थ्री मेन पार्ट या थ्री स्टेट्स या थ्री अलग अलग एरियाज के बारे में बताना है। सबसे पहले है अवध, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो आपका टॉपिक है ये आपके सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक अवध से रिलेटेड आपको अलग से 5 मार्क्स का टॉपिक आ सकता है जिसमें आपने मेन बताना है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स, फार्मर्स या फिर लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, किस तरह से ब्रिटिश टाइम पीरियड में इनको प्रॉब्लम ब्रिटिशर से नहीं थी, इनको प्रॉब्लम थी इनके ही अपने एरियाज में जो रिच लैंडलॉर्ड्स, देयर रिवोल्ट वॉज नॉट विद द ब्रिटिशर, देयर रिवोल्ट वॉज विद ऑन द एक्सपोर्टेशन दैट वॉज डन बाय दीज रिच लैंडलॉर्ड्स। इनको उस टाइम पीरियड में तालुकादार भी कहते थे। तालुका का मतलब क्या होता है, ये एक हिंदी का वर्ड है, जैसे हमारी कंट्री में हम कहते हैं, ठीक है, जिला, जिला के बाद आगे गांव विलेज होते हैं, तो ऐसे उस टाइम पीरियड में विलेज एरियाज को अलग अलग तालुका में डिवाइड किया जाता था, तालुका। और तालुका का जो रिप्रेजेंट होता है जैसे जमींदार, ऐसे ही तालुकादार, तो उस टाइम पीरियड में तालुकादार कौन होते थे, रिच लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो इनका हमने रिवोल्ट बताना है नॉन कॉपरेशन। सपोज आपको टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स इन द कंट्री साइड या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले जब हम अवध का बता रहे हैं तो अवध में मेन बताएंगे पीजेंट्स, फार्मर्स एंड बॉन्डेड लेबर, दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स और इनको क्या कहा जाता था, तालुकादार कहा जाता था। अब हमने क्या बताना है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, बिकॉज दीज पीजेंट्स फार्मर्स दे हैड टू पे हाई रेंट और हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू टू दीज रिच लैंडलॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि पूरे विलेज, पूरे तालुका को लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल करते थे, ठीक है, और ये अपनी लैंड के ऊपर, ठीक है, पीजेंट्स फार्मर्स से काम करवाते थे, और जो लैंडलेस होते थे, ठीक है, उनसे भी रेंट लिया जाता था। लैंडलेस फार्मर्स को क्या बोलते हैं, टेनेंट्स, जिनके पास लैंड नहीं होती वो किसी और की लैंड पे काम करते हैं और जितनी भी उनको इनकम होती है उसका कुछ परसेंट भी रेवेन्यू लिया जाता था। तो एक विलेज के बारे में सोचो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको विलेज एनवायरमेंट के बारे में सोचना है कि हमारी कंट्री में जिस टाइम में ब्रिटिश रूल था तो हमारी अपनी ही कंट्री में लैंडलॉर्ड जो थे वो इन पीजेंट्स फार्मर्स के ऊपर जो है वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे। वो अलग बात है कि डायरेक्टली दे वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, इनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे और मे बी ये लैंडलॉर्ड जो थे वो ब्रिटिशर्स को भी फायदा दिला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऑर्डर्स थे कि अपने अपने तालुका से हाईएस्ट टैक्स अमाउंट कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता, ठीक है। तो पीजेंट्स का मतलब जिनकी अपनी लैंड होती थी उनको भी हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता, जितनी भी उनकी इनकम होती थी। फार्मर्स, लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है जो बॉन्ड साइन करते हैं, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, जिनकी फैमिली, सपोज एक फादर है उसने बॉन्ड साइन किया और थ्रू आउट हिज लाइफ वो इन लैंडलॉर्ड्स के पास काम करेगा और बदले में ये लैंडलॉर्ड्स उनको जो है वो सैलरी देंगे। बाद में इनके बच्चे जो है वो भी ऑटोमेटिकली लैंडलॉर्ड्स ही कंट्रोल करेंगे, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन लैंडलॉर्ड्स जो थे वो इनको कंट्रोल करते थे, जिसको बोलते थे बॉन्डेड लेबर। और ये हमारी कंट्री का एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर बहुत से लोगों को एक्सप्लॉयट किया गया, डायरेक्टली बाय द लैंडलॉर्ड्स, इनडायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हमने बताना है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इन पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स ने सुना, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या लिया, नॉट टू पे
हाई रेवेन्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। अब रेवेन्यू पे करने से मना करेंगे तो क्या होगा, लैंडलॉर्ड इनके ऊपर अटैक करेंगे, दीज पीजेंट्स एंड फार्मर्स दे वर अटैक, बदले में इन्होंने भी अटैक किया, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन का मतलब है, इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं थी बल्कि अपने अपने विलेज एरियाज में थी। दीज फार्मर्स पीजेंट्स बॉन्डेड लेबर दे अटैक ऑन द स्टोर हाउसेज ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, जैसे अपने सिलेशिया रिवोल्ट पड़ा, ठीक है, कि किस तरह से उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से अपने अपने लैंडलॉर्ड से स्टोर हाउसेज में अटैक किया था। ऐसे ही पीजेंट्स फार्मर्स एंड बॉन्डेड लेबर जो थे जिनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे, ठीक है, इनके स्टोर हाउसेज इनके घरों में अटैक किया। तो ये विलेज एरियाज में जो वॉर थी, दिस वॉर वॉज बिटवीन रिच लैंडलॉर्ड्स एंड पुअर पीजेंट्स, ठीक है। काफी देर तक हमारी कंट्री की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, उन्होंने पीजेंट्स को फेवर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सेंटर में अवध किसान सभा, यानी कि इस सेंटर में अवध किसान सभा बनाई, और इस किसान सभा को बनाने का मेन मोटिव था पीजेंट्स के जो राइट्स हैं या पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। लेकिन जब पीजेंट्स एंड फार्मर्स ने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने पीजेंट्स यानी कि पुअर पीजेंट्स से अपना सपोर्ट वापस ले ली। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि नो डाउट ये लोग ये मानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो रिच लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती है ना कि पुअर फार्मर्स एंड बॉन्डेड लेबर्स को, ठीक है। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या लिया, कुछ सोशल सर्विसेज, आपकी बुक में एक टर्म है नाई धोबी बंध, क्या मतलब है इस टर्म का, सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, इसका मतलब क्या है, पूरे विलेज एरियाज में इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, अब रिच लैंडलॉर्ड तो ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। विलेज एरियाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फार्मर्स ने जितनी भी सोसाइटी के सभी लोगों को अपने साथ किया। नाई धोबी बंद का मतलब होता है वॉशरमैन इनके कपड़े नहीं धोएंगे, ठीक है, इनको बार बार की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, यानी कि इनका सोशल बॉयकॉट कर देना विलेज एरिया। और इस तरह से हमारी कंट्री में नॉट टू कॉपरेट विद द रिच लैंडलॉर्ड्स दैट वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स एंड फार्मर्स, क्योंकि उनको ये लगा कि महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके साथ है। बट लेटर ऑन कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट जो था वो इनसे वापस ले लिया, क्योंकि जब ये अटैक करना शुरू हो गए तो ये एक तरह से वॉयलेंट था जो कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट था, उनकी थ्योरी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो एक नॉन वॉयलेंट जो है वो सत्याग्रह या मूवमेंट चाहते थे। सो दिस वॉज ऑल ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट फार्मर्स रिवोल्ट, ठीक है। इसके जो मेन पॉइंट है, अवध किसान सभा आपने जरूर बताना है, देन बेगार, यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है वन मार्क में, बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार करना, बेगार का मतलब होता है एक ऐसा लेबर जो रिच लैंडलॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्री लेबर, फ्री लेबर का मतलब क्या होता है कि बदले में उसकी पूरी की पूरी फैमिली ये लैंडलॉर्ड जो हैं उसके पास रहेंगे और लैंडलॉर्ड किसी भी तरह से काम करवा सकते हैं उस फैमिली से, चाहे उनके बच्चों से या उसकी वाइफ से, वट एवर जो भी है। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बॉन्ड साइन किया जाता है और उसके बाद वो पर्सन थ्रू आउट द लाइफ वो उस मास्टर, मास्टर का मतलब क्या कि पर्सन कैन बी बॉट बाय द थिंग्स, जैसे एक थिंग है उसको खरीदा बेचा जाता है, वैसे उस टाइम में पर्सन को भी खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते थे। प्रॉब्लम क्या थी, हाई रेंट, हाई रेवेन्यू, फार्मर्स को पीजेंट्स को हाई रेंट देना पड़ता था। इनकी लड़ाई किनके साथ थी, अपनी ही एरियाज में रहने वाले रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ थी, क्योंकि वो इनसे हाई रेवेन्यू लेते थे, बदले में ये हाई रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता था। तो ये अपना प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट जो है वो ज्यादा लेने के लिए इनको ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ताकि एग्रीकल्चर ज्यादा हो, रेवेन्यू ज्यादा हो और उसका कुछ परसेंट जो है वो अपनी पॉकेट्स में रख सकते। दिस वाज द मेन प्रॉब्लम एट दैट टाइम, ठीक है। और इनके लीडर मेन, आप इनके नाम याद रखोगे, बाबा रामचंद्र सन्यासी, ये आपको वन मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। हु लेड दिस पीजेंट्स रिवोल्ट, इनको सपोर्ट किन्होंने किया, बाबा रामचंद्र सन्यासी, कौन थे ये, इंडेंचर्ड लेबर। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इंडेंचर्ड, इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में से ब्रिटिशर्स ने बहुत से लेबर्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा था लेबर करने के लिए। तो फिजी एक ऐसी कंट्री है, फिजी, जहां पर हमारी कंट्री से बहुत से इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है, वहां पर गए। लेकिन बाबा रामचंद्र सन्यासी ने वहां की एक्सप्लॉयटेशन और कंडीशंस को देखकर वो अपनी कंट्री में वापस आ गए, यानी कि वहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन उन मजदूरों के साथ होती थी, ठीक है, इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ वो वहीं पे रहेंगे,
बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया असम के प्लांटेशन वर्कर्स को बॉन्ड साइन करवाते थे, ऐसे इनसे बॉन्ड साइन करवाया जाता था। इनकी आइडेंटिटी, सिर्फ इनको नंबर दिया जाता था, अदरवाइज इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता था। इनको उन कंट्रीज में जाकर वहां पे प्लांटेशन या लेबर का काम करना पड़ता, ठीक है। लेकिन इन्होंने वहां पे, बाबा रामचंद्र सन्यासी ने वहां पे रिवोल्ट किया और किसी तरह से ही बच के अपनी कंट्री में वापस आ गए। और यहाँ पर आकर इन्होंने पीजेंट्स एंड फार्मर्स को सपोर्ट किया कि वहां पर ये हाल है तो हमारी कंट्री में भी ये हालात है, और इसीलिए इनका जो है वो रिवोल्ट सक्सेसफुल माना गया। काफी हद तक पीजेंट्स एंड फार्मर्स ने इनके साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब जब मैं बोलती हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन का मतलब इनके लिए क्या है, नॉट टू कोऑपरेट विद द लैंडलॉर्ड्स, हाई रेवेन्यू रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। देन दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द फोर हाउस ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स। थर्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इनके पास, जो भी स्टोर हाउसेज में जो भी ग्रेन मिला, दे अटैक, दे लूटेड। अब इस अटैक और जो लूट जो है, जब INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये न्यूज मिली, देन दे विड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। उन्होंने इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और तभी से ही पुअर पीजेंट्स एंड फार्मर्स को ये लगता था कि INC जो है वो रिच लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती है, ना कि पुअर पीजेंट्स, ठीक है। नो डाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी फेवर करने के लिए अवध किसान सभा बनाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इनको इनके अटैक का पता लगा, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो विथड्रॉ कर लिया। क्लियर, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ये पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन अगर कंट्री साइड कंबाइंड क्वेश्चन आता तो बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे इसको, लेकिन अगर ये पूरा 5 मार्क्स का सेपरेट टॉपिक है, अवध से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश पीजेंट्स एंड फार्मर्स के रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो ये पूरा जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे पॉइंट्स आपने बताने। क्लियर, एनी डाउट? हाँ जी, रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट इज देयर। नंबर नोट करें, 26 प्रेजेंट्स, 11 क्लास में 26। ओके, क्लियर है बेटा? हाँ जी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? हाँ जी, हाँ, नाइरोबी बंद एक तरह से सोशल बॉयकॉट करना, ठीक है। जैसे सोसाइटी में रिच लैंडलॉर्ड्स विलेज एरियाज में रह रहे हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो वॉशरमैन फैसिलिटीज, यानी कि वॉशरमैन ने जो है इनको फैसिलिटीज देने से बंद कर दिए। बार्बर जो होते हैं, ठीक है, कटिंग का काम करते हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं, उन्होंने इनको सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर दिया, बिकॉज वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे नाई धोबी बंद का मतलब क्या है कि सोशल सर्विसेज इनको देने से बंद कर दिया, नॉट टू कोऑपरेट। इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब था इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, क्योंकि ये मीडियोकर थे। दे एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पीपल, बिकॉज वट एवर द टैक्सेज एंड रेवेन्यूज दे वर पेड बाय द पीजेंट्स एंड फार्मर्स, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखती है, बाकी किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये चाहते थे कि इन पीजेंट्स एंड फार्मर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की जाए। आप ये सोचो कि हमारी ही कंट्री में, हमारी ही अपनी कंट्री के लोग जो थे, ठीक है, वो अपने ही लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। दैट वॉज द मेन रीजन कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, जब हमारी कंट्री के लोग ही इनको सपोर्ट करने से बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में फिर क्या होगा, सेल्फ रूल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज एट दैट टाइम मेनी पीपल दे सपोर्टेड द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट साइड पर। क्लियर, एनी अदर डाउट? No? Okay, next is tribals revolt. ये है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत से ट्राइबल्स रिवोल्ट हुए हैं, लेकिन हमने मेन वो पढ़ना है कि नॉन कोऑपरेशन के टाइम में ट्राइबल्स ने इस मीनिंग, यानी कि नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे लिया। तो ये है ट्राइबल्स पार्टिसिपेशन, ट्राइबल्स रिवोल्ट कह लो, इन नॉन कोऑपरेशन। और प्लेस, सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सी स्टेट मेंशन करनी है, गुडैम हिल्स, आंध्र प्रदेश, और इसके पीछे स्टोरी क्या है, दैट व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया दे इंप्लीमेंटेड सम फॉरेस्ट एक्ट्स इन आवर कंट्री। इन फॉरेस्ट एक्ट्स का सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किनको हुआ, द पीपल हु वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, ट्राइबल्स। अब अलग अलग कम्युनिटीज, ट्राइबल्स में भी अलग अलग कम्युनिटीज होती है, कुछ को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करते थे, कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोमैडिक, सेम,
nomadic communities, some were pastoralists. पेस्टोरलिस्ट वर्ड कहां से इसका ओरिजिन हुआ है? पास्टर्स. पास्टर्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड. ठीक है, पास्टर्स क्या होती है? ग्रेजिंग लैंड. तो पेस्टोरलिस्ट कौन? जिनके पास शीप गॉट होती है और वो इन पास्टर्स में अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी. तो ट्राइबल्स की जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट जो है इनका असर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स पे भी हुआ, नोमैडिक कम्युनिटीज पे भी हुआ, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज पे भी हुआ. क्यों? बिकॉज ड्यू टू दिस फॉरेस्ट एक्ट नाउ फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड. हमारी कंट्री में से कुछ ऐसे फॉरेस्ट थे जिन फॉरेस्ट से वुड या किसी भी तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने का राइट इंडियंस के लिए खत्म कर दिया. Means these were totally 100% reserved for Britishers or their जो भी उनके forest guards होते. Only they could enter in those areas. They could acquire all the forest produce and wood. And some parts were kept as protected areas. कुछ parts को protected areas जो है वो रखा गया. Protected का मतलब होता है कि in these forest areas these communities could enter, but they needed permission, permit. परमिट टू एंटर, परमिट का मतलब होता है जैसे पास हो गया या कुछ परमिशन. एंड अब इनको प्रॉब्लम क्या थी? शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे वो नहीं एंटर कर पाएंगे रिजर्व एरियाज में. प्रोटेक्टेड में जाएंगे तो इनको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, पहले वो फ्री जाते थे, उनके कस्टमरी जो राइट्स थे वो उनसे ले लिए गए. नोमैडिक कम्युनिटीज के साथ भी ऐसा हुआ. पेस्टोरलिस्ट के साथ क्या हुआ? दे हैड टू पे फाइन ऑन ईच एंड एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड. जितने एनिमल्स लेकर जाएंगे उतने एनिमल्स के ऊपर उनको क्या पे करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा. So that was not fair for these communities. That's why these communities, they revolted against the British rule or these unjust forest act. Yani ki ab unko forest areas mein, protected areas mein kuch bhi acquire karna hai, fuel lena hai, vegetables leni hai, fruits lena hai, ya kuch bhi lena hai, then they had to pay tax on that. So that was not fair because ye log itne rich to nahi the ki inke paas tax dene ke liye paisa ho. So isiliye inki jo ek tarah se jo life thi totally disturb ho gayi. Some became criminals, कुछ criminals बन गए, जबरदस्ती उन्होंने enter करना शुरू किया. ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने non cooperation movement के बारे में सुना, इनके according non cooperation movement का मतलब था गांधी राज. गांधी राज का मतलब कि महात्मा गांधी का रूल होगा, और उस गांधी राज का मतलब है not to cooperate का मतलब to break forest laws. इन्होंने इनकी participation, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था? क्योंकि इनकी कौन सा उनके साथ डायरेक्ट जो है वो मीटिंग हुई थी, इन्होंने तो न्यूज सुनी थी. क्योंकि उस टाइम पीरियड में न्यूज जो सुनते थे उनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये माना था कि महात्मा गांधी इनके साथ हैं. ठीक है, और स्वराज का मतलब, स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब कि हम फॉरेस्ट लॉज नहीं मानेंगे. एंड फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना शुरू कर दिया. अब जब फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना शुरू किया तो वो एक्टिविटीज क्या थी? दे नोइंगली एंटर्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि वो फॉरेस्ट एरियाज में एंटर करना शुरू कर दिया उन्होंने. देन अपने एनिमल्स को फॉरेस्ट एरियाज में भेजना शुरू कर दिया, पुलिस के ऊपर अटैक किया, फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर अटैक किया. और इनके जो मेन हीरो, जिनको ये हीरो मानते थे, उनका नाम क्या था? पर्सन का नेम याद रखना है आपको, वन मार्क में भी आ सकता है, अलूरी सीता राम राजू. ही वॉज अ लीडर ऑफ दिस ट्राइबल्स एंड ही फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ महात्मा गांधी. ये महात्मा गांधी को बहुत फॉलो करते थे. ही कन्विंस द ट्राइबल्स टू गिव अप ड्रिंकिंग बिकॉज एट दैट टाइम मैनी ट्राइबल्स दे ड्रंक अ लॉट. ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी की पॉलिसीज, इवन ही आल्सो इंसिस्टेड ऑन खादी. खादी के लिए फॉरेस्ट जो एरियाज में लोगों को कन्विंस किया कि वो खादी पहने. इवन फॉरेन गुड्स जो है उनको भी कन्विंस किया कि ये जो लोग हैं ये फॉरेन गुड्स को जो है वो ना खरीदे, बॉयकॉट करें, वट एवर जो भी महात्मा गांधी की पॉलिसी जो थी. इन्होंने इनको अपनी ट्राइबल सोसाइटीज को उसके बारे में अवेयर किया. तो जब इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता लगा, ही एंड विद हिज कम्युनिटीज दे नोइंगली एंटर्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, दे ब्रोक द फॉरेस्ट लॉज. ठीक है, एंड उन्होंने अपने एनिमल्स को जबरदस्ती फॉरेस्ट एरिया से भेजना शुरू कर दिया और एक्वायर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्वायर करना शुरू कर दिया. दैट वॉज अगेंस्ट द लॉज, क्योंकि हमारी कंट्री में उस समय गवर्नमेंट थी, तो अगर वो लॉ ब्रेक करेंगे तो दैट दैट वाज क्रिमिनल एक्टिविटी.
मैनी पीपल वर अरेस्टेड, मैनी ट्राइबल्स वर अरेस्टेड एंड इवन हिमसेल्फ अलूरी सीताराम ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड इन 1924 ही वॉज एग्जीक्यूटेड हैंग टिल डेथ. ठीक है, और ये दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस. और उसके बाद लीडर की डेथ होगी तो धीरे धीरे ट्राइबल्स का जो रिवोल्ट था वो भी सप्रेस हो गया. इट मीन्स ब्रिटिशर्स द इजिली सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल्स. तो दैट वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल. हम कहते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेशन की. नो डाउट उनके जो उनकी पार्टिसिपेशन, उनके जो एक्ट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, लेकिन नोइंगली उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि नॉन वायलेंस की थ्योरी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता था. वायलेंट हो गए और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एट दैट टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो पूरी कंट्री में एक नेशन वाइड मूवमेंट नहीं स्प्रेड हो पाई. अगर होती तो शायद हमें इंडिपेंडेंस तभी मिल जाती, क्योंकि हर पर्सन के, हर एरिया के अपने अपने सेल्फिश जो है उनके मोटिव्स थे, उनकी अपनी अपनी डिमांड थी. और यही रीजन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुई और 22 में महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया, बिकॉज मूवमेंट टर्न वायलेंट फ्रॉम मैनी एरिया. ठीक है, दैट वॉज द ट्राइबल रिवोल्ट. एनी डाउट फ्रॉम दिस? ये भी सेपरेट आपको आ सकता है. ठीक है, कंट्री साइड पूरा टॉपिक तो बहुत ही रेयर है. ठीक है, उसमें आपको पता है कि अपने तीनों टॉपिक्स बताने हैं, लेकिन अलग से पीजेंट्स का अलग से तैयार करो, सेकंड ट्राइबल्स का अलग से तैयार करना, थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स. वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत सी प्लांटेशन हैं, लेकिन हमने सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है असम. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ असम प्लांटेशन वर्कर्स. अब सेम स्टोरी है, प्लांटेशन क्या होती है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन? फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, जैसे टीक है, ऑक, साल ट्री. लेकिन प्लांटेशन जो है वो जिसमें ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, जैसे हम कहते हैं टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, जूट प्लांटेशन, बैम्बू प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, जहां पे आप दूर दूर तक जहां तक नजर देखोगे वहां पे आपको एक ही क्रॉप मिलेगी, इसको बोलते हैं प्लांटेशन. फॉरेस्ट नेचुरल होते हैं, लेकिन प्लांटेशन क्या होती है? दैट इज मैन मेड. वो खुद, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी एरिया में टी प्लांटेशन या जूट प्लांटेशन या रबर प्लांटेशन करवानी है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, बाकी अलग अलग तरह के जो ट्रीज हैं उनको अपरूट करना पड़ेगा और एक ही तरह की क्रॉप जो है वहां पे उगाई जाएंगी. ये क्यों होता है? प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट का मतलब जब आपका कमर्शियल फार्मिंग, जब आपका मेन अटेंड जो आपकी इंटेंशन है वो कमर्शियल फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं? प्लांटेशन. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों प्लांटेशन जो है वो ज्यादा वर्कर्स चाहिए थे? क्योंकि असम दैट इज वेरी फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, है ना. तो यहाँ पे असम प्लांटेशन में बहुत से वर्कर्स की जरूरत थी, क्योंकि टी प्लांटेशन का जो काम है वो मशीन नहीं कर सकती. क्या होता है ये? मैनुअल होता है. मैनुअल का मतलब क्या होता है? इसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको सारा टाइम वहां पे प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन, उनकी प्रॉपर गार्डनिंग करनी पड़ती है, टेक केयर करनी पड़ती है. और जिस टाइम पीरियड में हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो वो जो प्लकिंग होती है वो मशीन से प्लकिंग नहीं होती, वो लीव्स को तोड़ना पड़ता है, वो मैनुअल खुद करते हैं. ठीक है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर रिक्वायर्ड इन असम फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स. सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, दे साइंड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्कर्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग पार्ट से वर्कर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए और इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कहाँ पे भेजा गया? असम. व्हाट द टर्म्स एंड ट्रीटीज इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर वेरी हार्श. यानी कि इनकी जो टर्म्स थी, टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये वर्कर्स 5 साल तक वहीं पर रहेंगे और 5 साल तक अपने अपने एरियाज में वापस नहीं आ पाएंगे. ये लॉ हमारी कंट्री में कब बना? ये इस लॉ को क्या बोलते हैं? 1859 में बना था ये लॉ, सॉरी 1859. इसको बोलते हैं इमिग्रेशन इनलैंड एक्ट. इमिग्रेशन इनलैंड एक्ट इसका मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्कर्स ब्रिटिशर्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो उनको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. उनको प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी दी जाएंगी, लेकिन उन प्लेसेस को वो नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण इस एग्रीमेंट को मान गए, बट वहां पर जब गए तो वहां पे ये टर्म्स फॉलो नहीं की गई. दे वर नॉट गिवन दैट अमाउंट दैट वॉज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट और दे वर एक्सप्लॉयटेड अ लॉट. टाइमिंग्स ऑफ वर्क जो था दैट वॉज वेरी लॉन्ग.
ठीक है, अनहाइजेनिक कंडीशंस, जब इतने लोगों को इकट्ठा रखेंगे तो देवर नॉट गिवन फूड फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। तो अल्टीमेटल जो मतलब था कि असम के जो प्लांटेशन वर्कर थे देवर लीडिंग वेरी बैड लाइफ, ठीक है, एंड नाउ दे वॉन्टेड टू गो बैक इन देयर रेजिडेंशियल एरिया जहाँ से वो आए थे, यूपी से आए, बिहार से आए, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज बहुत कम थी। वट दे कांट, बिकॉज अगर वो जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रेक होगा, एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल और उनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत से असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपनी आवाज नहीं उठा पाए, कुछ ने आवाज उठाई, उनको मार दिया गया, ठीक है, और कईयों को जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था तो वो वहीं पे रह रहे। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इन्होंने सुना, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था कि इनको लगा कि अब महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट की है, तो टू ब्रेक द इनलैंड एक्ट, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि इस एक्ट को जो है, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज है, टू ब्रेक दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसको ब्रेक करते हुए उन्होंने क्या किया, दे फ्लैड अप, फ्लैड अप का मतलब क्या होता है, दे लेफ्ट द प्लेसेस, प्लांटेशन एरिया को छोड़ने लगे, एंड मैनी फ्लैड फ्रॉम दीज प्लेसेस, लेकिन वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, सम वर किल्ड, सम वर सेंट इन द इम्प्रिजन, कईयों को जेल में डाल दिया गया। इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो ना करें। दे आल्सो अटैक ऑन द फॉरेस्ट गार्ड, जो उस टाइम पे प्लांटेशन गार्ड होते थे जो इनको प्रॉपर जो है इनके ऊपर नजर रखते थे, उनके ऊपर अटैक भी किया, लेकिन अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गई तो इनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो इनको अपने अपने एरियाज में वापस आना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा। तो तीनों में ही आपने अलग अलग तरह की टॉर्चर्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं, पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, फॉरेस्ट एरियाज की प्रॉब्लम्स थी, प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स थी। इनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिया और इस तरह से, अच्छा लास्ट जो है, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया, वापस क्यों लिया, विदड्रॉ, तो दो वर्ड आ सकते हैं, अगर तो आता है कॉलिंग ऑफ तो भी सेम, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और विदड्रू, विदड्रू का मतलब होता है वापस ले लेना, उसका रीजन भी क्या था वो अलग से सेपरेट आपका टॉपिक है। यहां तक कोई डाउट? अगेन आई एम टेलिंग, इफ द टॉपिक इज ऑफ नॉन कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन इन कंट्री साइड आता है तो ये तीनों बताने आपको, सिर्फ कंट्री साइड वर्ड है तो तीनों बताओगे, अगर अलग अलग टॉपिक आता है तो उसी टॉपिक को सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, थैंक यू बेटा।